उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन रुझानों में कांग्रेस यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। पिछले कई चुनाव में जहां वो दहाई के अंक को भी पाने को तरस रही थी, वहीं इस बार अभी तक वो 7 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 35 सीटों पर आगे है। सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी किन 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो बता दें कि कांग्रेस सहारनपुर, अमरोहा, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद और बाराबंकी सीट पर आगे चल रही है। सहारनपुर में इमरान मसूद, अमरोहा में कुंवर दानिश अली, सीतापुर में राकेश राठौर, रायबरेली में राहुल गांधी, अमेठी में किशोरी लाल, इलाहाबाद में उज्जवल रमन सिंह और बाराबंकी सीट पर तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कितने वोट से आगे है। सहारनपुर में इमरान मसूद 74,000 वोट के अंतर से आगे है। अमरोहा में कुंवर दानिश अली 15,000 वोट से आगे है। सीतापुर में राकेश राठौर 71,000 वोट से आगे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 1,64,249 वोट से आगे हैं। अमेठी में किशोरी लाल 54,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद में उज्जवल रमन सिंह 16,000 वोट से आगे हैं। वहीं बाराबंकी सीट पर तनुज पुनिया 97,000 वोट से आगे हैं। रायबरेली सीट की बात करें तो यहां बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। वो योगी सरकार में मंत्री भी हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्हें सोनिया गांधी के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार उनका मुकाबला राहुल गांधी से हो रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से इतने खुश हैं कि वो मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मना रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। आधिकारिक चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया ब्लॉक 200 सीटों को पार कर गया है। रुझान आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब वो अगर कोशिश करते हैं तो बैसाखियों की सरकार बनाएंगे, दूसरों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। पहले जो एक अखंड राज की जो 400 की बात कर रहे थे, वो 400 कहाँ चला गया? अब वो 230 से 240 के बीच में अटके हुए, जो कि स्पष्ट बहुमत नहीं है। बहुत मुश्किल की सरकार है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। अंदेशा तो 295 सीटों का है, हम तो वही टारगेट लेकर चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि अगर सब कुछ सही चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, तो हम 295 पे जरूर जाएंगे। जयराम जी ने भी ट्वीट किया, हम सब ने ट्वीट किया, हमारे वकील भी वहां हैं कि ये स्लो क्यों है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजे टाइम पर क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे। हर ऐसी बात सार्वजनिक नहीं की जाती जो पर्दे के पीछे हो रही होती। बिल्कुल हम उस स्थिति में आ रहे हैं, हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए देखते रहे हिंदी न्यूज़ डॉट टाइम।